नमस्कार, आप देख रहे हैं NN24 और मैं हूं आपके साथ विदिशा। राम की नगरी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने वाली तमाम योजनाओं को ठेंगा दिखाता नजर आ रहा है। अयोध्या नगर निगम का एक ऐसा मोहल्ला वर्ष 1992 के बाद से लेकर आज तक पेयजल की पाइपलाइन में एक कतरा पानी भी स्थानीय लोगों को अभी तक नहीं मिला है। वहां के स्थानीय लोगों का आरोप है कि अपने ही पैसों से पेयजल के लिए समरसेबल आदि उपकरणों को लगवाकर अपने घरों में इस्तेमाल होने के लिए पानी की व्यवस्था कर डाली। कई चेयरमैन देखे और अब पार्षद के साथ महापौर का कार्यकाल खत्म होने को है, लेकिन इनके नलों की टोटियां आज भी सूखी पड़ी हैं और धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। समस्या है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आरोप है कि लंबे समय से आ रही पेयजल की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने 1992 से लेकर अब तक अधिकारियों, कर्मचारियों और जिम्मेदारों से शिकायत की, लेकिन समस्या वैसे ही बनी हुई है। आपको बता दें कि अयोध्या के रामकोट मोहल्ले में स्थित इस मोहल्ले का नाम कोठी घाट है। इस मोहल्ले में 15 से 20 परिवार मुस्लिम समाज के हैं। इस मोहल्ले के ठीक पीछे ऐतिहासिक ब्रह्माकुंड गुरुद्वारा है, जबकि सामने राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का निर्माण भी नजर आता है। लेकिन बावजूद इसके करीब 30 साल बीतने को हैं, लेकिन लोगों के नलों में पानी तो नहीं आ रहा। हर साल इस मोहल्ले के लोग वाटर टैक्स जरूर देते हैं। वहीं स्थानीय पार्षद रमेश दास ने बताया कि मोहल्ले की समस्या का मामला संज्ञान में आया है। उन्हें जल्द ही अटल अमृत योजना के अंतर्गत उस मोहल्ले में पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। दरअसल रामकोट वार्ड के कोठी घाट मोहल्ले में अब ऐसी पुश्तें भी जन्म ले चुकी हैं जिनका कहना है कि उनको ये भी नहीं पता कि उनके घरों में सरकारी नल जो लगे हैं उसमें कभी एक बूंद पानी आया हो। पानी समस्या है बहुत दिन से है। कितने साल हो गए? 92 से नहीं आ रहा पानी यहाँ। तो पानी कैसे इस्तेमाल करते हैं आप? हैंड पाइप चला के भरी थे। कितने हैंड पाइप है मोहल्ले में? एक। तो इसकी शिकायत किया आप लोगों ने पार्षद वगैरह से? कई बार कहा गया भैया कोई समाज नहीं करते यहाँ। पानी 92 से आज तक यहाँ आए नहीं। हम लोगों ने कितनी बार कंप्लेन की, कोई सुनवाई नहीं हुई। आश्वासन दे के हम लोगों को ठीक है हो जाएगा, उसको फिर कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है। टैक्स वगैरह जमा करते हैं? टैक्स पूरा जो है जमा है, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं। और हाउ टैक्स भी बढ़ा दिया, फिर भी वाटर टैक्स भी बढ़ गया, मगर फिर भी हम लोगों को पानी नहीं मिला अभी तक। अच्छा, राम जन्मभूमि के ठीक पीछे का ये मोहल्ला है, तो ऐसे में ये जो दुश्वारियाँ हैं इसके लिए पार्षद या नगर आयुक्त से शिकायत नहीं हुई? कई बार शिकायत हुई, पार्षद से भी मैंने किया और पार्षद ने भी अपने फ़ोन से बात कराया, हाँ हो जाएगा, मगर फिर भी नहीं हुआ। कितने परिवार हैं यहाँ पे? यहाँ पे 12 लोग, 12 घर हैं। मोहल्ला कोठी घाट है। क्या नाम आपका? मोहम्मद अकरम। क्या परेशानी है पानी को लेकर? पानी बचपन में हम लोग क्या आता था, जब से आज लोग पानी नहीं आया, अब पानी के लिए बहुत दिक्कत है। कब से समस्या चल रही है? 92 से। इसकी शिकायत किया आप लोगों ने? कई बार तो वही शिकायत बातें हैं, बस हमें करते हैं, अगले बार चले जाते हैं, फिर दोबारा फिर नहीं आते। पार्षद वगैरह शिकायत? हाँ, सबसे होगी। वाटर टैक्स भी देते हैं? सब चीज़ देते हैं, अब हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, टैक्स भी जमा करते हैं वो भी बढ़ गया है, लेकिन पानी की कोई समस्या अभी हल नहीं हुई। पानी भैया यहाँ से जो है 1992 से जो है पानी नहीं आया, लगभग 30 साल हो रहा है। हम लोग टैक्स भरते हैं मगर पानी नहीं मिलता, किस चीज़ का टैक्स भर रहे हैं? पानी मिलना चाहिए ना, और हराम का पैसा दे रहे हैं खाली। वाटर टैक्स इतने साल से ये समस्या है, इसकी शिकायत किया किसी से? कई बार शिकायत हुई, कई बार जो है कंप्लेंट किया गया नगर पालिका में, जलकल में किया गया, मगर कोई सुनवाई नहीं। आते हैं सब, देख के चले जाते हैं, बस यही बात है। हमको पानी चाहिए। पानी कैसे मिल पाता है? हैंड पाइप है या क्या? एक हैंड पाइप है पूरे मोहल्ले में, उसी से सब पानी लेते हैं। अब बताइए कितना चलेगा वो? वहाँ पानी की व्यवस्था तो मुझको ये जानकारी नहीं था, वहाँ किसी सरदारों ने या किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि वहाँ जल की आवश्यकता है, लेकिन ये तो आज आप हमसे कह रहे हैं कि वहाँ जल की व्यवस्था नहीं है। मैंने कल XCN और JEE से बात किया है, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के अंदर में मैं जल हर घर घर में पहुँचाने का काम करेंगे। इतनी लंबी समस्या रही है तो ये संज्ञान में मुझको किसी ने दिया नहीं, अगर कहीं संज्ञान में देता तो अभी तक जल तो उपलब्ध हो ही जाता,
लेकिन मैं क्षेत्र में वहाँ जाता भी हूँ तो लेकिन मुझसे किसी ने नहीं कहा महाराज जी हैंडपाइप ख़राब है। लेकिन इंडिया मार्केट तो मैं ठीक कर देता था, लेकिन ये नहीं कहा कि मेरे घर में जल नहीं है। अगर कोई अगर मेरे पास आता और कहता तो मैं उसमें भी जल हर घर घर में जो है अटल अमृत योजना चालू हुआ था उसको अभी भी शुरुआत है और दो दिन के अंदर में घर घर जल पहुँचाने का काम करेंगे। और एक्सियन साहब और जय साहब से बातचीत हो चुका है, ये घर घर जल देने का दो तीन दिन के अंदर में पूरा करेंगे।